देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को गोलघर स्थित काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति, आधुनिक भारत के निर्माता थे। लौह पुरुष पटेल जी द्वारा भारतीय रियासतों का एकीकरण करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने और इसे अखंड भारत बनाने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र पटेल का सदैव ऋणी रहेगा। सरदार पटेल का त्याग में जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत के निर्माण हेतु महान प्रेरणा है। इस अवसर पर पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्र, रणविजय शाही, सबल सिंह पालीवाल, मीडिया प्रभारी चंदन आर्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश के पहले गृह मंत्री भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उनके जन्म जयंती कार्यक्रम को मना रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोरखपुर महानगर के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ अपने गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आकर के यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर हम सब ने माल्यार्पण किया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान है देश की एकता और अखंडता में, उसको इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त नागरिक भूल नहीं सकता। आज़ाद भारत होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने 563 रियासतों को मिला करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया, यह हम सबको पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। हमेशा देशवासियों के हृदय में बसते हैं और इसलिए आज हम सब ने मिल करके यहाँ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको पुष्प चढ़ाया है ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के आगे देश के लिए काम करते रहें।